मिक्सिंग वगैरह कर रही है ये भाई आलू टल गया पहले। इसकी ट्रेन ही बनाई है हमने वो उसके साथ। पकौड़े हो गए रेडी भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग स्पीड चेक कर रहे हैं देख रहे थे आगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अफ्तारी तैयार हो गई है। पकौड़े आलू के पकौड़े ये थोड़े से समोसे ले आया था मैं आलू के, दही बड़े, खजूर, अब्दुल्ला की फ्रूट चाट, हमारी फ्रूट चाट। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर से मजे में एंजॉय कर रहे हैं भाई। आज जो है अफ्तार का पहला दिन है, पहली इफ्तारी आज होगी। कौन सा जार? ये वाला, ये जार भाई, इसमें तो कुछ है जार? ये वाला इसमें निकाल लेते हैं भाई। असल में बेसन वो खाली है, वो शीशे वाला। शीशे का? हाँ शीशे वाला खाली है, जरा हो गया। इसमें क्या बेसन डालना है भाई? बेसन डालना है क्योंकि बेसन का थोड़ा बहुत हम काम कर लेंगे। ठीक है चलिए भाई। ये देखें भाई आप लोग हमारे घर के पास ग्रीनरी। अभी हम लोग निकले नमाज के लिए असर की, फिर मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ असर की। नमाज पढ़ के फिर हमने सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह लेनी है, दैन फिर आके बनाना है भाई। हम हर साल यही देखते हैं कि रमज़ान जैसे ही आता है कीमतें जो है चीज़ों की, फल फ्रूट्स वगैरह की, एकदम जो है ना जैक लग जाता है। अभी मैं ये कुछ फल वगैरह लेके जा रहा हूँ फ्रूट चाट के लिए, तो आप लोग यकीन करें भाई मैंने कल केला लिया है दिन में 160 रुपये दर्जन इस्लामाबाद के अंदर, और आज केला 240 रुपये। तो टेक्निकली हमारे मुल्क के जो हालात है ना उसमें आवाम का ये बहुत बड़ा किरदार है, सिर्फ हुकूमत का किरदार नहीं है, हमारी आवाम भी जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। मैं तो देखता हूँ ना न्यूज़ में, जब न्यूज़ वाले जाते हैं मार्केटों में और जाके कस्टमर से जो ख़रीदारी कर रहे होते हैं उनसे जाके पूछ रहे होते हैं भाई इतनी महंगाई है ये वो, तो वो कह रहे होते हैं हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है। भाई किस बात की दरख्वास्त है भाई? मैं तो गुस्सा आता है लफ्ज़ सुन के कि हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखा जाए, इसको हल किया जाए। तो किस बात की दरख्वास्त है भाई? ना हुकूमत है इस मुल्क में, ना इस मुल्क में कोई इंसानी आवाम है भाई। यहाँ जो है बेसन का काम होना शुरू हो गया है। जैसा हमने बताया था ना ग्रोसरी वाले में कि हमारे पास इम्तियाज का बेसन था, तो वो नया पैकेट वो निकल गया, क्योंकि यहाँ तो इम्तियाज हम गए नहीं समय वाले में। अभी टाइम क्या हो रहा है? हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो इसलिए ये चल जाता है। अभी टाइम हो रहा है 17:29, यहाँ पे अफ्तार का टाइम मसाल है 6:15। हाँ 6:13 पे ना, देखा टाइम निकलता है। ज़्यादा बना लिया? हाँ हाँ दो दिन का बना लो। इसके अंदर डलेगा मुझे ज़्यादा? नहीं नहीं नॉर्मल रखो, इतना होता नॉर्मल रखो बस। लाल मिर्च? लाल मिर्च मैं हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है। चाय का टी स्पून दे दो ज़रा मुझे। अंदाजे डालो, अंदाजे डालो। अच्छा हम सोडा और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये चीज़ें नहीं डालते हैं हम, वैसे ही पहले से ना इसका बैटर बना के रख देते हैं, तो ये वैसे ही जो है फूल जाता है, ज़रूरत नहीं होती है, लोग डालते हैं हम डालते नहीं। उसके बिना वजह ऑयल भी एब्जॉर्ब करता है और पकौड़े ऑयल भी एब्जॉर्ब करते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी ये हो जाता है ऊपर फूल जाता है अगर इसको एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले हम जो है बैटर बना के रख दें। इसके अंदर पानी डलेगा इसका बैटर बनेगा। डालो पानी भाई, मिक्सिंग वगैरह कर रही है। मीनवाइल में आलू काट लो ना। अच्छा आलू के लिए ना, आलू के लिए अगर प्याज वाले बनेंगे ना तो उसके लिए गाढ़ा गाढ़ा हमें बैटर चाहिए। नॉन स्टिक कढ़ाई में हम पहली दफ़ा ये पकौड़े बना रहे हैं, वरना मेरी अम्मी की पुरानी कढ़ाई थी, और जो कुकिंग करते होंगे उनको पता होगा कि जितनी पुराने टाइप के बर्तन होते हैं ना उसमें ज़्यादा अच्छी जो है फ्राइंग की चीज़ें होती हैं। नए बर्तन में और कुकिंग ये इस तरह की चीज़ों में ना चिपकती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो देखते हैं इसमें आज क्या होता है। काफ़ी देर नहीं अभी बेसन में जो है बर्तन भी पड़े हुए हैं।
अच्छा हमारे नलके में मीठा पानी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। आलू डाल दे रहा हूँ उसमें पानी निकाल के। हाँ निकाल ही रहा हूँ। अब हम बैटर चेक भी नहीं कर सकते, रात में अगर बन जाता ना, लेकिन रात में ये कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मुझे जो है जरा बीपी का इशू चल रहा है, तो रात में हिम्मत नहीं हुई। वरना हम एक रात पहले बैटर बना के रखते हैं तो पूरी रात जो है ना ये फ्रिज में रहता है, तो अगले दिन बहुत अच्छी तरीके से ना ये पकौड़ों को फुलाता है, तो फिर सोडे की और ये बेकिंग पाउडर की जरूरत नहीं होती जो कि उमूमन लोग डालते हैं। और चने का काम भी हम इसी वजह से चने का काम भी नहीं कर सके अभी तक। चने का काम भी पहले पहले बेसन डाल के देखना होता है। तुम आज टेस्ट कर दो ना उसकी। पहले बेसन डाल के देखना होता है तेल गरम हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है तो आज हो गया। हो गया हो गया। देखो ऊपर आ रहा है। हां जी भाई मैंने अपना हाथ जो है गंदा कर लिया। मैं अपने हाथ धो लूं जल्दी से। हटो चलो। ये भाई आलू डल गया। इसकी ट्रे नहीं बनाई हमने वो उसके साथ टिश्यू के साथ। अच्छा हम बहुत ज्यादा मोटा मोटा बैटर नहीं लगाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। इससे ना आलू भी पतले कटे हो और बेसन भी अगर पतला लगा हो तो ना आलू क्रिस्पी होते हैं। जो मोटे मोटे आलू के ऊपर बैटर लगा होता है ना वो हमें पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद। चले बेगम जल्दी जल्दी से ये डाल रही है। ठीक है मैं जो मीन बाइज जाता हूँ जाके ट्रे की सेटिंग कर देता हूँ, क्योंकि फिर जाहिर है डल चुका है तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। इसके ऊपर हम एब्जॉर्बेंट वाला टिश्यू रखेंगे ट्रे के ऊपर और उसके बाद फिर ये पकौड़े उसके ऊपर डालेंगे, तो फिर एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो जूप का जो होता है ना एब्जॉर्बेंट टिश्यू रखा हुआ। ठीक है तुम डालो मैं ट्रे का इंतजाम कर रहा हूँ। चलो जी दही मैं निकाल दे रहा हूँ। मुझे फ्रूट चाट असल में काटना है। अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। अब्दुल्ला के यही एक्साइटमेंट थी ना तुम्हें सारे की है ना, बता नहीं देते तुम है ना। बस दुआ कर बेटा हम रोज बना सकें। अरे भाई दही निकाल लेता हूँ। दही इतना पतला क्यों यार? बस अल्लाह का शुक्र है मिल गया। अभी इतना रश लगा था ना कल से कराची में अक्सर मिलता भी नहीं था दही हमें, है ना। कल से मैं जोहर में लेकर इसके अंदर डलेगी चीनी। हम मीठे वाले दही बड़े खाते हैं ना। हाँ इसके अंदर डलेगी चीनी। ठीक है दही बड़े जिसने खाए तो क्या खाया उस बेचारे। अच्छा हैदरी पे एक बहुत फेमस मिलते थे दही बड़े। वो निकालना चीनी। क्या हैदरी पे एक बहुत फेमस दही बड़े मिलते थे मीठे वाले, अंबाला के शायद होते थे। अंबाला बंद हो गई वो बहुत, अगर किसी को याद हो तो। बस काफी बस चीनी और लानी होगी। चीनी खत्म हो गई पहले इसको बिल्कुल ना पानी 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 स्मूथ नहीं पहले पहले फिट जाएगा। तो पहले इसकी चीनी अच्छी तरह से वो हो जाए और ये स्मूथ बैटर बन जाए, उसके बाद इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत पानी मिलेगा, थोड़ा बहुत। वरना वो जो बाजार वाले इफेक्ट आता है ना गाढ़े गाढ़े दही पड़ेगा वो वाला नहीं आएगा। बस ठीक है सही है। अच्छा बुनिया का रखनी है आलू यहाँ फ्राई वाले नहीं, बस अब होने वाले में पलटने टाइम असल में टाइम बिल्कुल नहीं है। आलू बहुत सारे पड़ेगा टाइम नहीं है, टाइम सिर्फ रह गए हैं 25 मिनट्स बस। बेगम किचन में जो है तलने का काम कर रही है। मीन वाइल मैं जो हूँ अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट बना रहा हूँ। ठीक है और आप लोग मेरी पर स्पीड देखिएगा, मैं आप लोगों को पहले स्पीड दिखाता हूँ अपनी सेब काटने, क्योंकि मैं हमेशा से जो है ना अपने घर में भी फिर यहाँ पर भी जो है आने के बाद मतलब शादी के बाद मैं फ्रूट चाट हमेशा मुझे मजा आता है काटना। ये देखें आप लोग स्पीड चेक कर रहे हैं भाई की, ये देखें ये मतलब देख रहे हो आप लोग स्पीड चेक कर रहे हैं, देख रहे हो आगे स्पीड। चले भाई फ्रूट चाट काटते हैं, टाइम बिल्कुल कम रह गया है। ये दिखाओ टाइम बिल्कुल कम रह गया भाई, फ्रूट चाट काटते हैं दस्ती दस्ती एंड देन फिर शरबत भी तो बनाना है भैया। और हो गया रेडी भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बैटर एक दिन पहले बन जाता ना तो और ज्यादा अच्छा होता। अच्छा तैयार हो गए दही बड़े, तैयार हो गए ये भी तैयार हो गया फ्रूट चाट। नहीं दही बड़े पे वो डालेगा भले भले ये आखिरी मसाले हिस्सा रह गया है वो तल रहा है, बहुत ज्यादा मत काट लेना। उसमें रबर बैंड डाल लेंगे। नहीं मुझे इसको उसमें निकालना है। चलो निकाल लेना पहले तो इसमें डालो, मैं फ्रूट चाट के तक वो कर रहा हूँ। फ्रूट चाट में चीनी नमक भी डालना है। अल्ले भैया बस बन गई। अब्दुल्ला का रोजा बहुत लग रहा है। हाँ खाने वाला रोजा। अच्छा अलग से रोज होगी तो अलग से डाल देंगे ठीक है। अच्छा ये शान का नेशनल कलर दूसरा क्यों है? वैसे ऑरेंज ऑरेंज होता है। चले थोड़े बहुत काम रहेगा भाई। हाँ बस थोड़े बहुत काम रहेगा, मैं जल्दी करूँ बर्तन क्योंकि अभी तक नहीं है। बर्तन निकाल लेता हूँ मैं जल्दी से। और अच्छा क्या था
दही बड़े बन गए, आलू बन गए, अरे शरबत नहीं बनाया, शरबत निकालो 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 निकालो। हमारी एमरजेंसी इसलिए हो गई कि हमने थोड़ा सा देर से गाना शुरू किया था, हम लोग रिलैक्स हो गए थे। अच्छा ये आ गया जग, जग आ गया, जग दोनों पड़ेगा, ठीक है। अब भाई मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, अफ्तारी मिलते हैं आप लोग से। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अफ्तारी तैयार हो गई है, पकौड़े आलू के पकौड़े, ये थोड़े से समोसे ले आया था मैं आलू के, दही बड़े, खजूर, अब्दुल्ला की फ्रूट चाट, हमारी फ्रूट चाट, चटनी छटनी, शरबत वरबत सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। वैसे हम पकौड़े में ना एक दो चीजें और बनाते हैं लेकिन आज हमने बनाई नहीं है। हाँ वो असल में टाइम ऐसा था ना, ठीक है मैंने चाय चढ़ा दी। अच्छा क्या करना था, इसका शरबत, इसका शरबत, इसके शरबत के लिए शरबत निकाल लेते हैं। आ जाओ भाई तुम कहाँ छुप के बैठ गए हो, आओ चल 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 आ जाओ, बैठ बैठे बैठ के दुआ मांगो, इस टाइम पे दुआ बहुत कबूल होती है। आ जाओ पानी लेके, अपने पानी की बोतल ले, शाबाश। हाँ हाँ अजान शुरू हो गई, जल्दी से रोज़ा खोल दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा खोलते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्की का फ़तरतु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई रोज़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर लिया, पहला पकौड़ा खाता हूँ आलू का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ा आया, मक तेज नहीं हुआ, क्रिस्पी, अगर आप लोग आवाज़ आ रही हो, एक साल के बाद बनाए पकौड़े। चले भाई तार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं फिर से। मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं सलमा मसूद साहिबा, उन्होंने कहा था कि मैं इसको टेस्ट करके बताऊं कि कैसा है, तो मैं सबसे पहले इसी को अभी ओपन करके देखती हूं कि ये कैसा है और फिर टेस्ट करके बताती हूं। तो मैं जाइए, नहीं मैं इसी से टेस्ट कर लेता हूं, मैं भी अभी टेस्ट कर लेता हूं हाथ का, बिस्मिल्लाह। मेरा असल में गला भी सही सही से समझ में नहीं आ रहा ना, लेकिन अच्छी है, बहुत मजे की है। नहीं नहीं अच्छी है। मैं नॉर्मली चटनी चटनी इस तरह की नहीं खाता, मैं केचप तिली वाली वाले खा लो, ये बहुत मजे की है, मिठास भी इसके अंदर हल्की सी है। कमांडर है ना, मेरे कमांडर। बहुत अच्छी है, सही है। हमने जितनी भी आज तक ट्राई की है ना, मिचेल्स की और बहुत सारी और भी हमने की है, तो क्या कहते हैं ये सबसे अच्छी है ना, अच्छी है। तुम्हें तो अच्छी लगती भी नहीं है वैसे, वरना भाई तो क्या। अरबा जो है बेगम के लिए हमने ये लिया था मैंगो स्क्वॉश, मिचल स्क्वॉश, एक ग्लास मेरे लिए काफी है, एक ग्लास, और मेरे लिए तीन चार ग्लास रूअफजा मशरूब मशरक। बेगम ने माशाल्लाह हिसाब किताब बिल्कुल सही लगाया था, मैंने सिर्फ दो आलू काटे थे, उन्होंने दो आलू तले, और ये अल्लाह का शुक्र है पूरा हो गया हमें, मतलब ज़ाया नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ये मैं खा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ के भी चश्मे आया हूँ, टोपी शोपी इसीलिए पहना हूँ, ये खा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट चाट नहीं खाया मैंने, मैंने भी दही बड़े नहीं खाए आज, नमाज़ का टाइम मुझे कंफर्म नहीं था, क्योंकि नॉर्मली मगरिब की नमाज़ अजान ख़त्म होते ही शुरू होती है नॉर्मली नॉर्मल डेज में, बट रमज़ानों में क्योंकि ऑब्वियसली इमाम साहब को या बाकी लोगों को भी ज़्यादा थोड़ा बहुत पेट अपना भरना होता है, तो उसमें क्या होता है अफ्तारी करने के बाद रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा बहुत खाते हैं लोग, इमाम साहब भी, दैन पर 10 मिनट का तकरीबन 10 मिनट का वक्फा होता है, फिर जमात खड़ी होती है। तो मुझे यहाँ की टाइम का इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, हमारा पहला रोज़ा था यहाँ पे, पहली इफ्तारी थी, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाई। तो अब जो है फ्रूट चाट बना हुआ है, दही बड़े बने हैं, अब ये खाएंगे इंशाल्लाह। फ्रूट चाट निकाल दिया मैंने, फ्रूट चाट में आज लीमू मुझे याद नहीं था ख़रीदना, तो मैं लेमन ख़रीद नहीं सका, तो लेमन की सिर्फ हल्की सी कमी है, वरना फ्रूट चाट बहुत मज़े का है। फ्रूट चाट में मतलब क्या, हमारे घर में से होता है नॉर्मली ये है कि फ्रूट्स काट लिए जाते हैं, जो भी ख़ास तौर पे सेब, खरबूजा और केला, लेकिन केला जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना यार, पता नहीं किस मुल्क में रह रहे हैं कसम से यार, हम लोग किस कैसी आवाम है, हम लोग खुद एक दूसरे को लूटते हैं। बहरहाल तो इसमें हमने तीन फ्रूट्स डाले हैं, सेब है, केला है और खरबूजा है, एंड साथ ही साथ कीनू। अरे यार चलो किन्नू कल याद दिलाना, देखता हूँ। तो
रोगन कर दो। इसमें हमने ऊपर से उन्होंने डाला चाट मसाला और चीनी और शायद नमक डाले थे, नमक डाले इसमें, नमक ज़रा था, नमक ज़रा था, काले में चाट मसाला और चीनी, लेमन डलता है, लेमन आज था नहीं तो क्यों डलेगा, तो लेमन की ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि ज़ाहिर है जो उसकी सिट्रस जो खटास होती है वो वैसे ही आ जाएगी। तो बहुत मज़े का लग रहा है माशाल्लाह, हल्का हल्का मीठा, मज़े मज़े का। चले जी, हमने जो है फ्रूट चाट मुका दिए हैं, अब बारी है दही बड़े की। दही बड़े का भाई ये पहला स्पून ये लेते हैं, हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दही में ना बिल्कुल पानी नहीं डाला इन्होंने, इन्होंने प्योर दही की बनाई है ना, तो पानी नहीं डालना इसमें, प्योर दही की है दही बड़े। और जो मीठे दही बड़े का जो पूरा सीन है ना भाई, सबसे बेस्ट वही है। ऐसा कोई सीन नहीं कि भाई हम फीके दही बड़े खा रहे हो, फीके दही बड़े चाट मसाला का डाल के खाने जैसे मैंने खाया ना, तो और मुझे चाट मसाला पसंद नहीं आता, तो मैं पसंद नहीं आता ना, मैं नॉर्मली इसके ऊपर चाट मसाला भी डाला जाता है। हाँ, तो भाई इसका सीन ऑन है। तो चलिए गाइस, पहली इफ्तारी हमारी और मेरा बहुत अच्छे से गुजर गई, बहुत मज़ा हमें आया इफ्तारी करने में, अब्दुल्ला ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़े मज़े की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।